घोस्ट डिटेक्टर प्लस कैमरा, ये एक रशियन एप्लीकेशन है ऑफर्ड बाय ट्रिपली फ्रिपली डेव द्वारा। इस एप्लीकेशन को 13 अगस्त 2022 को गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में चलकर देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन का अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट को चेक करें। बाकी ये एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन के कौन कौन सी परमिशंस ले लेता है तो देख सकते हैं आप, कैमरा और अदर में कई सारी इंपॉर्टेंट परमिशंस ये ले लेता है। बैक करेंगे। बाकी इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, 4.1 है, 120 रिव्यूज़ हैं। बाकी इस एप्लीकेशन की जो डाउनलोडिंग है वो करीब 10K प्लस है, जो कि ठीक ठाक डाउनलोडिंग है। बाकी इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है उसका मैं आपको कंक्लूज़न देता हूँ। तो बाकी ट्रिपली फ्रिपली डेव के द्वारा जो दो और एप्लीकेशंस हैं होस्ट से रिलेटेड, उनका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उन दोनों वीडियो का लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं या फिर आपको कार्ड बटन में देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इसका एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। ओपन करता हूँ, कुछ इस तरीके से लोडिंग होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग होने में। बाकी यहाँ से कुछ वार्निंग दे रहा है जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये इसमें ऐड आ चुका है तो इस ऐड को हम स्किप कर देते हैं कट करके। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा ऑन हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पे लिखा हुआ है साइड की तरफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी 8, यानी कि 8, 5, 6 इस तरीके की कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर है, और एविल एनर्जी है। बीच में आपको क्या कहते हैं एक रडार दिख जाएगा जो कि सर्कल टाइप का है। बाकी यहाँ पे हमें एक डॉट दिखाई दे रहा है, तो इस डॉट के बीच में जब हम गए हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी घोस्ट देखने को नहीं मिला है इस घोस्ट में, लेकिन आगे देखते हैं। अभी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे ऐसा। हाँ, एक डॉट हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हल्का हल्का सा हमें दिख रहा है, हल्का हल्का सा बहुत, बट अगर मैं कैमरे के आगे हाथ लगा लेता हूँ तो हमें कुछ नहीं दिखता, क्योंकि ये भी, हाँ ये देख सकते हैं आप, ये कुछ दिख रहा है, ये देख सकते हैं। अब मैं कैमरे के आगे हाथ लगा लेता हूँ तो वो नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको बता दूँ, मैं जब इसका रिव्यू कर रहा था इस एप्लीकेशन का, जैसे कि अब दिखाता हूँ तो अब भी नहीं दिख, बट ये दिखता है एक्चुअल में, मैं आपको बता दूँ तो ये दिखता है, क्योंकि मैंने कैमरे के पीछे हाथ लगा के देखा है तो ये दिखता है। तो ये अब गायब सा हो गया है यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा है, बट यहाँ पे भी ये अच्छे तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हैं दिख रहा है स्क्रीन में काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से इस डायरेक्शन से देखता हूँ, बट ये इस डायरेक्शन से नहीं दिख रहा है, ये कुछ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यू कैन आस्क द घोस्ट व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट एट व्हाट एज डिड यू डाई। तो व्हाट इज़ योर नेम जब हम लिखते हैं, हाउ डिड यू डाई, आप कैसे इनकी मृत्यु हुई, माई बॉयफ्रेंड हैड मेंटल प्रॉब्लम्स एंड वॉज वेरी जीलेस एट द वेडिंग, ही गोट रियली ड्रंक एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड ब्रॉट सम कोकेन विच माई फाइंस took towards midnight, either he took too much or it was his nervous system, but he just went crazy and when he saw me wink at his other friend he took a knife that matched our hug wedding cake and stabbed it straight into my heart with a scream. Oh no, बहुत ही मतलब इनके साथ कुछ बुरा हुआ है। ये एक फीमेल हैं, तो इनके बॉयफ्रेंड को एक मेंटल प्रॉब्लम थी, जो काफ़ी ज़्यादा जेलेसी होते थे वो, तो वेडिंग के टाइम पे कुछ इनको नाइफ्स के थ्रू, मतलब एक चाकू मारकर इनकी हत्या की गई है, तो काफ़ी देखा जाए तो बुरा हुआ है। हम बैक करते हैं, इतना ही काफ़ी हमारे लिए जानना, तो मैं इसे बंद करता हूँ और कंक्लूज़न देता हूँ आप लोगों को।
अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन के कंक्लूजन की। तो ये एप्लीकेशन गाइस मेरी नज़र में एक सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट कैटेगरी भी है, और ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही बनाया गया है। ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कैमरा के पीछे हाथ लगा के देखा है, तो जो भी घोस्ट है वो अब भी विजिबल होता है इस कैमरे में। वो आपको दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा थी मेरे इस रूम में, बट मैंने जब दरवाजे के पास जब मैंने इस एप्लीकेशन का रिव्यू किया था, जब मैं इसको चेक कर रहा था, टेस्टिंग कर रहा था, तब मुझे मैंने कैमरे के पीछे हाथ लगा कर देखा तो मुझे वो विजिबल हो रहा था, जो भी घोस्ट इसमें दिख रहा था सेम टू सेम इसी तरीके का घोस्ट, पर वो मेन था, ये फीमेल थी। तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है, जो भी आप उनसे क्वेश्चंस पूछोगे तो उसमें आपको अच्छी खासी स्टोरी देखने को मिल जाएगी। बाकी काफ़ी एंटरटेनमेंट ये है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको और फील अच्छा आएगा, मतलब काफ़ी अच्छा फील आपको महसूस होगा, रियली फील हुआ। मुझे भी काफ़ी जब पढ़ा मैंने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रियली फील हुआ एकदम इस एप्लीकेशन, मतलब काफ़ी रियली टाइप का बनाया गया है। बट फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट कैटेगरी का एप्लीकेशन है, रियल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इस वीडियो को कम्प्लीटली ख़त्म करता हूँ, बाकी मिलेगा किसी नेक्स्ट घोस्ट हंटिंग एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।